नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मैं संदीप तोमर रुड़की हब पर करता हूं आपका स्वागत। दोस्तों आज मेरे साथ हैं हरिद्वार जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री सुभाष वर्मा जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। वर्मा जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज आपसे चर्चा करूंगा वर्मा जी से, जो बसपा के पूर्व विधायक हैं और फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष, अभी दोबारा उनकी वापसी हुई है, प्रदेश उपाध्यक्ष माफ़ कीजिएगा, वो हाल ही में उन्होंने हमारे चैनल पर बातचीत की थी और जिला पंचायत बोर्ड को लेकर उन्होंने आपके जो कार्यकाल है, जो आपकी गतिविधियां हैं, कार्य हैं, उन्हें लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और साथ ही एक निशाना साधा था कि टीम सीएम कोई बोर्ड काम नहीं कर रहा है, पूरे ज़िले में टीम सीएम काम कर रही है, टीम मुख्यमंत्री काम कर रही है और कहीं ना कहीं टीम सीएम के नाम से ही फ़ोन होते हैं। सबसे बड़ा जो आरोप था गंभीर वो भ्रष्टाचार को लेकर है, तो आपका क्या कहना है उन पर? इस विषय पर जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन आपकी पार्टी के ही युवा नेता है प्रदीप चौधरी, उनसे हम बात कर चुके, अब जानते हैं आपकी बात, आपका क्या कहना है? संदीप जी, पहले तो मैं रुड़की हब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप जनता की समस्याओं को उठाते हैं और उनका समाधान ढूंढते हैं और आम नागरिक की बात आप सरकार तक पहुंचाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जहां तक बोर्ड में भ्रष्टाचार की बात है, शहजाद भाई ने पहले चला रखा है बोर्ड, उन्हें मालूम होना चाहिए इतना कि बिना बोर्ड के प्रस्ताव के कोई काम नहीं किया जा सकता। विकास कार्य पूरे ज़िले में हो रहे हैं, उन विकास कार्यों को होते देख जो बौखलाहट माननीय पूर्व विधायक जी को हो रही है, उस हड़बड़ाहट में वो भ्रष्टाचार की और इधर उधर की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का ठप्पा शहजाद के भाई की पत्नी अंजुम जब जिला पंचायत अध्यक्ष बनी तो सरकार ने उनको हटाया, निलंबित किया, उनकी जांच हुई और भ्रष्टाचार का ठप्पा उन पर लगा हुआ है। वो सरकारी ठप्पे वाले भ्रष्टाचारी हैं वो परिवार, यानी भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें हटाया गया। हाँ, वो हटे थे, उसके बाद कमेटी बनी थी और आज तक वो अपनी सफाई नहीं दे पाए, ना वो कोर्ट में जा पाए, उन्होंने अपने आप को भ्रष्टाचारी स्वीकार किया जी। तो भ्रष्टाचारी शहजाद और उसका परिवार है। जहाँ तक सीएम टीम की बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी संगठन ने मुझे जिला पंचायत सदस्य का उम्मीदवार बनाया, जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया, यहाँ जो भी टीम है वो भारतीय जनता पार्टी की टीम है और भारतीय जनता पार्टी एक टीम के रूप में काम करती है। यहाँ किसी नेता की पदाधिकारी की कोई टीम नहीं होती, जो भारतीय जनता पार्टी वो सीएम की टीम है, जो सीएम की टीम है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो इसमें ये कहना कि सीएम टीम के नाम से फोन होता है, जिस व्यक्ति पर वो आरोप लगा रहे हैं, जिन जिन लोगों को वो सीएम की टीम बता रहे हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, चाहे प्रदीप जी हैं, जिला के वो अच्छे पदाधिकारी हैं, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, पूरा जिला उनको जानता है और पार्टी के आशीर्वाद से, पार्टी के कृपा से मैं भी जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, सब लोग मुझे जानते हैं। तो हमें इतनी छोटी बात जो शहजाद जी सोचते हैं, जैसी उनकी छोटी सोच है कि हम सीएम टीम कह के फ़ोन करेंगे, ऐसा हमने अभी तक किया नहीं। और अगर उन्हें ऐसा कहीं लगता है तो एक प्रूफ वो बताएं कि हमने सीएम टीम के नाम से कोई फ़ोन किया है, प्रमाण प्रस्तुत करें इस चीज़ का। बिल्कुल जी। अच्छा, जो रीति नीति है, वैसे तो शहजाद भाई भाजपा के किसी ना किसी नेता के टच में हमेशा रहते हैं जी। बिना भाजपा के नेता के टच में रहे ना उनकी राजनीति चलती है, ना वो रह सकते हैं जी। लेकिन पार्टी के अंदर की रीति रीति का उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। उनका जो व्यवहार है वो कभी किसी को सम्मानित शब्द लगा कर नहीं बोलते, हमेशा लोगों का अपमान करते हैं और उसी के कारण आज उनको छटपटाहट हो रही है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं इसी में मैं चीज़ जोड़ रहा हूँ, राजनीतिक जब जिला पंचायत की बात आती है तो एक समय उनका जो खेमा है वो पूरा चौधरी राजेंद्र सिंह जी के खिलाफ रहा, फिर एक गठजोड़ भी उनमें बना और इसी बीच में उससे पहले जो कमेटी बनी उसमें उनके भाई लिए गए, तो ऐसे क्या हालात थे कि उनके भाई को आपकी उस जो सरकार के रहते कमेटी बनी उसमें शामिल किया गया? दरअसल ये जो गठबंधन है जी, इसको क्या नाम दे समझ में नहीं आता। पूरे दो साल शहजाद और उसके जो जिला पंचायत सदस्य जो उसके समर्थक रहे हैं,
चाहे सलमी रही हैं, चाहे अंजुम रही है, चाहे नीलू रही हैं, हरिंदर जी की पत्नी है, वीरेंद्र रहा है, जो भी एक पूरी टीम रही है, उन्होंने सविता चौधरी को हटाने का प्रयास किया है और उस लड़ाई को वो लड़ते रहे। यानी इसमें कहीं आपका रोल नहीं था? नहीं, हम कहीं नहीं थे जी। वो भाजपा से मदद लेते रहे और इनको हटवाने की लड़ाई लड़ते रहे। इन लोगों ने जितने शहजाद के सदस्य थे उन सब ने एफिडेविट दिए हैं, आज भी वो सबूत है। उसके बाद जब सविता चौधरी सस्पेंड हुई और कमेटी की बात हुई तो ये आदमी भाजपा के नेताओं के सामने गिड़गिड़ाया। इसने कहा मैं कहीं भी रहा मैंने भाजपा की मदद की है, मैं चुनाव लड़ाऊ इसलिए चुनाव लड़ा के भाजपा कैंडिडेट जीत जाए, आपको कहा थोड़ा ही था कि भाजपा ने कि आप चुनाव लड़ो जी। लेकिन ये सब दिखा के गिड़गिड़ा के, और आप जानते हैं कि जिले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेता इनके संपर्क में है, आप सब जानते हैं भाजपा का। तो उन्होंने इस बात को देख के ये इतना गिड़गिड़ा रहा है, दो बार का विधायक रहा, चलो इसके भाई को रखवा देते हैं, तो इसके भाई को प्रशासनिक कमेटी में रखवाया, मोहम्मद सत्तार को जी। और उसमें ये रहे जी। तो उसके बाद जब ये कह रहे कि भाई हम लोग राजेंद्र के साथ हैं, विरोध में थे उनके, उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे दूरी बनाई हम लोगों से। जब तक सविता नहीं हटी तब तक तो ये साथ में रहे, जब इन्हें लगा सविता हट रही है फिर इनका अपना लालच आ गया और ये भागकर सिद्धि उसी व्यक्ति के पास चले गए जिसको ये हटाना चाहते थे। ये इनका गठबंधन हुआ। राजेंद्र सिंह ने भी इनको गोद में बैठाया, उन सब लोगों को गोद में बैठाया जो उनका विरोध करते थे, जिन्होंने उनको हटवाया। अब ये गठबंधन कितना कामयाब होगा आगे भविष्य की राजनीति में तो देखने वाले बात, लेकिन अब उनका कहीं ना कहीं दावा है कि जो उनकी बसपा में एंट्री हुई है उसे लेकर और वो इस तरह से टीम को मजबूत कर देंगे, पार्टी को मजबूत कर देंगे, बसपा को भी एक दावा उन्होंने हमारे साथ ही बातचीत में किया कि अगला बोर्ड बिल्कुल एकदम बसपा का ही आने जा रहा है। तो उनके इस बयान को, उनके इस दावे को किस रूप में देखते हैं आप, और इससे आपकी भी तैयारियों का पता लगेगा कि भाजपा क्या तैयारी कर रही है? देखो ऐसा है, ये 2012 में शायद चुनाव हारे पहला जी। उसके बाद जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आया तो सविता चौधरी के सामने बीच में से मैदान छोड़कर भाग गई जी। फिर ये चुनाव लड़े निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद ये हारे। उसके बाद इन्होंने जो उपचुनाव हुआ जिसमें राजेंद्र सिंह के साथ मिले उसमें बुरी तरह हारे। ये खुद सहारा ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह बसपा का सहारा लेकर मेरी राजनीति खड़ी हो जाए, ये बसपा का क्या उद्धार करेंगे, ये बसपा को तो तब मजबूत करेंगे ना जब पहले भाई खुद तो मजबूत हो जाए। यानी आपका कहना है कि वो भी खुद भी मजबूत नहीं है? वो खुद मजबूत नहीं है तो बसपा को क्या लाभ होगा जी। और अगर ये बसपा के इतने शुभचिंतक हैं तो जब सविता चौधरी हटी, इन लोगों के जो अभियान चल रहा था हटाने का, जब सविता चौधरी हटी तो वो बहुजन समाज पार्टी की ही थी। इन्होंने, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ये बसपा के इतने हितैषी हैं और ये कहते हैं कि मैं हमेशा नेता मायावती जी को मानना है, तो इन्होंने बसपा के जिला पंचायत अध्यक्ष क्यों हटवाया जी? अच्छा, एक से उन्होंने आरोप लगाया परिसीमन को लेकर कि अब परिसीमन जो होने जा रहा है आगामी चुनावों के लेकर, उसमें आप मनमानी करेंगे, सरकार मनमानी करेगी, तो उसमें कितना दम है, कितनी सच्चाई है? संदीप जी, क्या है, जो विकास कार्य हो रहे हैं और जो हम लोगों का मिलना जुलना है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम लोग पब्लिक से मिलते हैं, बात करते हैं, जिला पंचायत सदस्य खुद ये बोलते हैं आकर कि पहले तो अध्यक्ष से मिलना ही नामुमकिन था, आज वो आराम से मिलते हैं आकर जी। एक माहौल बन रहा है, मुझे 25 वोट मिली थी, आज कम से कम 35-36 सदस्य मेरे साथ में हैं और मैं काम करा रहा हूँ। बदलाव आया है पूरे जिले में, मैं काम करा रहा हूँ। वो हड़बड़ाहट और छटपटाहट जो इनकी है वो इन्हें पता है कि तुम्हारा काम निमट चुका है, उसके बाद पार्टी को क्या जवाब देंगे, इसलिए कभी परिसीमन का आरोप लगा रहे हैं, कभी आरक्षण का आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने अपनी हार मान ली, कल ये कहेंगे, आप लोग फिर पूछेंगे, मीडिया पूछेगा, भाई आप तो बोर्ड बना रहे थे, क्या हुआ? तो आप लोगों से बचने के लिए, आपको जवाब देने के लिए पहले से तैयारी कर ली कि भाई वो तो बेईमाना हुआ है, जबकि परिसीमन अपने हिसाब से हो रहा है।
आरक्षण अपने हिसाब से होगा, जो भी सीट मिलेगी उसमें चुनाव लड़ेंगे, आ जाओ सामने। प्रक्रियागत चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है। जी जी। अच्छा एक चीज़ और अंतिम मैं जानना चाहूँगा कि उनका कहना है कि वह आपसे सीधी बहस करने को तैयार है। मैं तैयार हूँ, सामने आए हमारे चैनल पर, स्वागत करता हूँ मैं उनका, इस निमंत्रण का स्वागत करता हूँ। तो बिल्कुल आप आमने सामने, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिन में आमने सामने होकर बात करने का मौका मिलेगा। जी जी। हम और शहजाद भाई बहुत साथ में रहे हैं। जी जी। हमें ये नहीं पता था वो इतने स्वार्थी हैं, और मैं आपके माध्यम से उन्हें बता देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था भाई आगे का तो मुझे पता नहीं, ले एक बार तो हम आपका जिला पंचायत में साथ देना चाहते हैं, क्योंकि मैं गद्दारी का ठप्पा लगवाना नहीं चाहता। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अब अपना नाम खुद को दे ले, खुद ही क्या है, वो तो हमसे भाग गए थे। जो वायदा आपके अनुसार किया था वो निभा नहीं रहे हैं। वो कहाँ निभाया, वो तो बीच में चले गए छोड़ के। जी। उन्होंने ये सोचा था आरोप कहीं ना कहीं लगा कि शिकार तो हम इनसे करा ले, अब खा लेंगे खुद। अच्छा अच्छा। तो देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी बात आज जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा जी ने कही, ये सीधी बहस को तैयार है, और कहीं ना कहीं शहजाद जो पूर्व विधायक जी है उनसे सवाल उठा रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, एक चीज़ ये, और जल्दी हम प्रयास करेंगे कि उनसे सीधी बात हो सके। और एक इन्होंने बहुत अहम आरोप लगाया है कि मोहम्मद शहजाद आज बसपा की बात करते हैं, जबकि खुद वो जब सविता चौधरी जी थी जिला पंचायत अध्यक्ष तो वो बसपा की ही थी जिस समय उन्होंने हटवाया, तो यदि वो बसपा के हैं तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। इन सब सवालों के जवाब भी उनसे हो सका तो जो सीधी बहस वर्मा जी के साथ होगी उसमें जानेंगे। और बहुत सही वर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों प्यार भरा नमस्कार, सलाम, मैं संदीप तोमर करता हूँ आपको, जय हिंद।